भक्त बंधु और बहनों, आज के अपने इस वीडियो में हम जानेंगे घरवास में पूजा किस तरीके से करनी चाहिए, या घर की पूजा कैसे करनी चाहिए, या पूजा को हम कैसे करें कि दुगने फल की प्राप्ति हो सके। तो आइए जानते हैं घरवास माह में या घरवास में भगवान की पूजा किस विधि से, किस तरीके से करनी चाहिए ताकि हम उसका दुगना फल प्राप्त कर सकें। खरवास मास के स्वामी भगवान विष्णु को माना जाता है, इसीलिए इस मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। खरवास मास दान पुण्य के लिए सर्वश्रेष्ठ समय होता है। इस मास में किए गए दान पुण्य का सर्व अधिक फल प्राप्त होता है। इस मास में गरीबों को अन्न दान, भोजन दान, वस्त्र दान आदि करना चाहिए, इससे अशुभ ग्रहों की पीड़ा दूर होती है। इस मास में जप तप आदि के लिए भी उत्तम समय माना जाता है। खरवास मास को जप तप आदि के लिए भी उत्तम माना जाता है। खरवास में किए गए जप तप, पूजा पाठ सर्वाधिक सिद्धिदायक होते हैं। नौ ग्रह हवन करने से भी ग्रह दोष दूर हो जाता है। तो आइए अब जानते हैं खरवास मास में किस विधि से, किस तरीके से पूजा करनी चाहिए कि हमारे सारे ग्रह शांत होके हम पूजन का दुगना फल प्राप्त हो सके। खरवास में रोज सुबह उठकर तांबे के लोटे में जल और कुमकुम और लाल फूल डाल के सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। इससे सूर्य भगवान से संबंधित दोष दूर हो जाते हैं और साथ ही हम पर पितृ की कृपा बनी रहती है। पीपल को भगवान विष्णु का साक्षात स्वरूप माना गया है, इसीलिए खरवास में रोज पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाकर पूजा करें और सुख समृद्धि की कामना करें, इससे भगवान की कृपा हम पर बनी रहती है। खरवास मास में भगवान विष्णु को पीले फल, पीले फूल और पीले मिठाई का भोग लगाना चाहिए, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। खरवास मास में जरूरतमंदों को यथाशक्ति अनाज, घी, कंबल, जूते और तिल से बनी हुई चीजों का दान करें। खरवास में आने वाले दोनों एकादशी पर देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु का अभिषेक केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करें, जिससे धन लाभ के योग बनेंगे। खरवास में रोज सुबह उठकर तुलसी को दीपक जलाएं और तुलसी नामाष्ट का पाठ करें, जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और आपके कष्ट भी शांत होते हैं। इसके साथ ही भगवान विष्णु का मंत्र जाप 108 बार जरूर करें। ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप जरूर करें, इससे आपके घर में सुख समृद्धि और आपके शारीरिक कष्ट भी दूर होते हैं और आपका मन शांत रहता है। तो इस विधि विधान से खरवास में पूजा करनी चाहिए ताकि आपके घर में सुख शांति बनी रहे और आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो और जो भी आप पूजा पाठ करते हैं उसका दुगना फल आपको प्राप्त होता है। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।